कि बॉडी में एनर्जी का फ्लो होता है और वो एक नेटवर्क में होता है, और वो जो नेटवर्क है वो योग में आयुर्वेद में उसको नाड़ी बोलते हैं। शायद आप लोग सुना, आप लोगों ने सुना होगा 75,000 नाड़ी में एनर्जी का फ्लो होता, प्राण का प्रवाह होता है। ये मेडिकल साइंस वाला नहीं, किधर है बताओ, उसका प्रमाण दो। तो योगी लोग कहते हैं नहीं, उसके लिए दिव्य आंख चाहिए। तो बकवास, दिव्य आंख जो है वो है, दिखाओ। उसका लॉजिक अलग है, वो है, लेकिन इसका जवाब ऐसे नहीं दिया जा सकता। तो मेडिकल साइंस के ही कुछ लोग, जो 150 साल पहले क्या हुआ कि जो दवाइयां अभी आप खा रहे हैं, 150 साल पहले वो दवाइयां नहीं थी। 150 साल पहले जो दवाई थी वो हर्ब एक्सट्रैक्ट था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दवाइयां आई हैं वो पेट्रोलियम बेस्ड है, शायद आप लोगों को जानकारी हो या नहीं हो। इसीलिए जितनी भी दवाइयां आप खाएंगे, डॉक्टर भले नहीं बताए लेकिन ये मैंडेटरी हो गया कि उसका क्या साइड इफेक्ट है। तो जितनी दवाइयां हैं एलोपैथी की आज की तारीख में, उसका साइड इफेक्ट है, और उससे बीमारी ठीक हो या ना हो, उसे दूसरी तरह का बीमारी जरूर हो। जैसे पेन के लिए अगर रेगुलर आपने पेन किलर का उपयोग किया और कुछ समय तक कर लिया, तो आपका पेन ठीक होगा या नहीं होगा उसका गारंटी नहीं है। अल्सर हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा, और हो सकता है लीवर डैमेज हो जाए, और हो सकता है किडनी डैमेज, जिसका कोई काट नहीं है। इन सब चीज़ों को मेडिकल साइंस के लोग ही देख रहे थे। उन लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, आखिर कारण क्या है। कोई भी दवाई, सिंपल सा ब्लड प्रेशर, सिंपल सा सर का दर्द, आधा सीसी, ये दवाई खाने पर तुरंत आराम होता है लेकिन दूसरे दिन फिर हो जाता है। मतलब रोज दवाई खाने की जरूरत पड़ती है, वो क्योर नहीं होता। तो ये क्योर क्यों नहीं कर पाता, कारण क्या है। तो कारण का पता लगाते लगाते उन लोगों ने पता लगाया कि शरीर का एक बृहद अंग है जो अभी तक अननोटिस्ड है, मतलब उसको अभी तक अनदेखा किया गया। और वो जो बृहद अंग है उसका नाम मेडिकली फेसिया नेटवर्क कहा गया। तो आप लोग सोचते हैं फेसिया क्या है भाई, बोला उसी फेसिया नेटवर्क में एनर्जी का फ्लो होता है जिस पर किसी दवाई का असर नहीं, लेकिन बिना दवा को वो ठीक हो सकता है। ये भी कमाल की बात है, मतलब बिना दवा का ठीक हो सकता है। उसमें पहला नंबर का है आपका मानसिक शक्ति, ऐसा यस। उन लोगों ने पता लिया, मेडिकल साइंस के, योग की बात नहीं कर रहा हूं, और आ गया फिर योगा पर ही। बोला मानसिक, जिसका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है या मानसिक रूप से एकदम शक्तिवान है, चाहे वो मेडिटेशन करके हो या जैसे भी हो, तो उसको बीमारी नहीं होगी। और इसका परीक्षण किया, पता लगाया, रिसर्च किया, एकदम सही बात नहीं। दूसरा बोला जिसका जीवन शैली अच्छा है, मतलब सुबह उठना, व्यायाम करना, सही रूप से सही समय पर अच्छा भोजन करना, वो स्वस्थ रहेंगे। वो भी देखा, वो भी सही बात है। तो लाइफ स्टाइल आ गया, तो उसको हम लोग भारतीय परंपरा बोलते हैं योगी की जीवन शैली। सुबह जो उठेगा वह स्वस्थ रहेगा, और जो सूर्योदय के बाद उठेगा वह बीमार रहेगा। ये सार्केडियन क्लॉक के रूप में, सार्केडियन थ्योरी के रूप में इसको बहुत पहले रिसर्च किया गया, तो उसको नोबेल प्राइज दिया। सार्केडियन थ्योरी जो जिसने रिसर्च किया ये सूर्य के साथ जीवन का, तो उसको नोबेल प्राइज मिला, जो हमारे आयुर्वेद योग का प्राचीन ज्ञान। दो हो गया। तीसरा, जो श्वास ठीक से लेगा, अर्थात शरीर में गर्मी बनी रहेगी, वो स्वस्थ रहेगा। तो आ गया योग का प्राणायाम, प्राणायाम विधा वही है यार। तो ऐसी बात है तो है क्या, आखिर फासिया है क्या। तो अब आप लोगों को मैं समझाता, आप भी समझ जाएंगे, पांचवे की क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। देखिए, जो शरीर का अंग है छोटे छोटे कोशिकाओं से बना है, ठीक। कोशिका 1, 2, 3, 10 कोशिका मिलकर एक उत्तक बना है। कोशिका मतलब सेल, और सेल से टिश्यू, और एक तरह का टिश्यू मिलकर एक अंग बना, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, अलग अलग, आप समझे ना, कई
सिस्टम से हमारा पूरा बॉडी बना है, तो वो जो बॉडी बना वो सारे एक दूसरे से, जो सेल है उसका मेम्ब्रेन है, सेल का मेम्ब्रेन है, और सेल के बाद कई सेल मिलकर जो टिश्यू बना उसका भी एक मेम्ब्रेन है, और टिश्यू मिलकर जो ऑर्गन बना उसका भी मेम्ब्रेन है। आप लोग अगर नॉनवेज की दुकान पर गए और खाते अगर होंगे तो किसी चिकन वाले शॉप पर जैसे ऐसे करके प्री किया जाता है तो झिल्ली पूरे चिकन के ऊपर झिल्ली होती है और इसे फक फक करती रहता है। वो जो झिल्ली है वही है फेसिया। तो पहला झिल्ली स्किन के नीचे है और इतना मजबूत है कि उसे आप पूरा उठाइए तो टूटेगा नहीं, पूरा बॉडी उठा लेगी इतना। तो पहला मेम्ब्रेन है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इसको कहते हैं सुपरफिशियल फेसिया। और हर एक मसल्स के चारों ओर, जैसे तार है ना, तार के चारों ओर इंसुलेटर होता है, मसल के चारों ओर फाइबर होता है, वही है फेसियल। मसल्स को होल्ड किए हुए हैं और मसल्स को होल्ड किए हुए हैं तो एक मसल से मसल्स का बैंड 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 पूरा अलग अलग मसल से अलग अलग शरीर में और सारे फेसिया से घिरा हुआ है। जो नर्व है शरीर में जो ब्रेन से चलकर पूरे शरीर में जाता है, उसके चारों तरफ जो माइलेशन है वो भी फेसिया है। कहने का मतलब इसमें इस जितने भी है मेम्ब्रेन एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी में कट नहीं है, इसको कहते हैं अनकट। और अगर उसको शरीर से बाहर निकाला जाए तो पूरा विश्व घूम जाए फिर भी वो खत्म, इसीलिए इसको कहते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो अभी तक अननोटिस था। पहले इसको कहा जाता था कि कनेक्टेड, क्योंकि ये एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है, एक जोड़ को दूसरे जोड़ से जोड़ता है। अब आपने सुना होगा घुटना है, घुटना में हड्डी टूटे ना टूटे उसका ACL अगर ब्रेक हो लिगामेंट तो उसको ACL रैप्चर बोलते हैं, साइड का, सामने का, बगल का, और उसको ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है, ऑपरेशन करते हैं फिर भी एक साल लगता है। ये सारे नेटवर्क में जो फ्लो करने वाला ब्लड नहीं है उसी में एनर्जी, और इसमें अगर रुकावट हो तो वो आपको तकलीफ देता है। पहला तकलीफ आप पेन के रूप में महसूस करते हैं, दूसरा तकलीफ जिस जगह रुकावट है वो ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है, डिफिशियंट होता है और फिर धीरे धीरे ब्लॉक होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके हार्ट में ब्लॉकेज होने लगा, आप समझे कि ये जो है कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज है, जरूरी नहीं है, वहां जो है फेसिया हार्ट के प्रोटेक्टर जो है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरी में चारों तरफ और झिल्ली के रूप में वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और वो फैसिलिटेट करता है कि क्या हार्ट के अंदर जाए और क्या बाहर है। हार्ट का काम है ब्लड को लेना, उसको शुद्ध करना और शुद्ध ब्लड को फिर शरीर में भेजना, एक वेन से एक आर्टरी से। ये कॉन्सेप्ट जब अभी रिवील हुआ और मेडिकल साइंस के उन लोगों ने जब दिया, और अभी 2005 में पूरा एसोसिएशन बना, तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा हमारे जो इंडियन सिस्टम है उसके लिए ज़्यादा उपयोगी, साइंटिफिक बेसिस मिल गया कि योग का आधार, मैं जो करता हूँ वो करता हूँ एकुपंक्चर। आपको प्रॉब्लम है, मैं जहाँ पर ब्लॉकेज है वहाँ सिर्फ एक पतली सी निडिल लगाऊंगा, और लगाते ही 2 मिनट के अंदर अंदर उसके जो ब्लॉकेज मतलब उसका जो पाथ है ब्लॉक पाथ वो ओपन होगा और आपको तुरंत रिलीफ होगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर ये तुरंत प्रभाव से होता है और इसके साथ में यदि आप अपने सांस को, अपने मन को, अपने भोजन को ठीक करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, बीमार तभी होंगे कि ये सारे फैक्टर, ठीक है। तो पहला मैं अभी बता रहा था, पहला मानसिक शक्ति। तो मानसिक शक्ति एक तो आपको जन्म से मिला है और आपका अपना है ही, लेकिन क्या उसे बढ़ाया जा सकता है, तो उसे बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाने के लिए आपको स्वयं जो
अभ्यास है वो कर सकते हैं और उसी का नाम ध्यान है, योग में उसे प्रत्याहार। दो मिनट लगेगा, मैं आपको करवा के अभी एक्सपीरियंस, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या ये कमाल का चीज है। दो मिनट का अभ्यास है, मैं पहले बता देता हूँ। और उसके बाद आप श्वास को लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि हम श्वास ले रहे, या ख्याल नहीं पड़ता, ये नेचुरल है। लेकिन जब हम डिलिबरेटली उसका ख्याल करते हैं तो श्वास गहरा होने लगता है, और श्वास जब गहरा होने लगता है तो उसका प्रभाव आप तत्क्षण महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। वो भी दो मिनट का अभ्यास में आपको करके देंगे। और तीसरा जो आप कर सकते हैं और करके अपने आप को ठीक है, जिसमें कोई पैसा, ये देखिए इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, करना आपको केवल एक फैसिलिटेटर होना चाहिए मेरे जैसे, मतलब आपको जो फैसिलिटेट करे, मतलब आपको बताए, बाकी आप खुद कर सकते हैं। तो वो है बॉडी मूवमेंट, योग में उसको कहते हैं आसन, या जिम में गए या दौड़ किए या साइकिल, कुछ भी आप मूवमेंट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आप करते हैं उसका बेनिफिट आपको मिलता है। वॉक करते हैं, ये सारा मूवमेंट है। मूवमेंट करने से जो फेसिया में एनर्जी का फ्लो है वो बना रहता है, तो आप स्वस्थ रहते हैं। तो तीन बहुत आसान फैक्टर है। तीसरा आप अपने आप कर सकते हैं, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है, जैसे भी शरीर को मूवमेंट देना है दे सकते हैं। लेकिन ध्यान का अभ्यास इतना आसान नहीं है, आसान मूवमेंट है, आसन हर कोई कर रहा है, हर को पता है एक्सरसाइज जैसे मर्जी, लेकिन बहुतों को पता नहीं है कि ध्यान कैसे किया जाता है। आंख बंद कर लेना ध्यान नहीं है। तो अभी हम एक ध्यान की क्रिया करवाते हैं, फिर हम लोग आप बताएंगे जिनको जो दिक्कत है, तो हम लोग आपको अभी दिखाएंगे कि किस प्रकार से एकोपंचर तुरंत प्रभाव करता है। लेकिन आपकी मन की स्थिति दो मिनट के अंदर बदल जाएगी, वो आप अभी अनुभव करेंगे। तो आपको क्या करना है, जहाँ बैठे हैं आप ये दो उंगलियों को रखिए और अपने घुटने पर रखिए, अपनी आँख को धीरे से बंद कीजिए और अपने नासिका क्षेत्र में श्वास को महसूस कीजिए। श्वास जब ले रहे हैं तो आपको ठंडक लग रहा है, और श्वास जब छोड़ रहे हैं तो गर्माहट लग रहा है। ये एक्चुअली में हो रहा है, आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अगर आप भी ध्यान दे रहे हैं तो आपको ये महसूस हो रहा है। ये आपका अपना ही श्वास है, और श्वास का जो प्रभाव है आपके नासिका भित्ति पर वो महसूस हो रहा है। अब धीरे से अपने ध्यान को अंदर की तरफ ले जाइए और अपनी नाभि मिलाइए, और नाभि में कल्पना कीजिए नाभि से कंठ तक एक नली लगी हुई है, और नाभि से आप श्वास लेते हुए कंठ तक आ रहे हैं और कंठ से श्वास छोड़ते हुए नाभि तक जा रहे हैं। आप केवल कल्पना से ये करिए, नाभि से श्वास लेकर कंठ तक आ रहे हैं, कंठ से श्वास छोड़कर नाभि, लेने वाला श्वास नीचे से ऊपर चल रहा है, छोड़ने वाला श्वास ऊपर से नीचे जा रहा है। श्वास की अपनी ध्वनि है। अब ध्यान का अभ्यास शुरू होगा। श्वास की अपनी ध्वनि है और उसका मानसिक उच्चारण करना है, मुंह से बोलना नहीं है। जैसे ही नाभि से श्वास लेना शुरू करेंगे, आप लेने वाले श्वास की जो ध्वनि है वो है सो, मन में उच्चारण करना, बोलना नहीं। कंठ तक आएंगे और जैसे श्वास छोड़ना शुरू करेंगे कंठ से हम का उच्चारण करते हुए नीचे जाएंगे, मानसिक रूप से, बोलना नहीं है, मन में। जैसे ही आप श्वास ले रहे हैं नाभि से सो कंठ, जैसी छोड़ रहे हैं कंठ से नाभि तक हम, अर्थात लेने वाले श्वास के साथ सो का उच्चारण करते हुए नाभि से कंठ तक आइए, और छोड़ने वाले श्वास के साथ हम का उच्चारण करते हुए कंठ से नाभि तक। सिर्फ एक मिनट इसका अभ्यास अब आपको करना है। एक मिनट प्रोसेस में हुआ, अब ये वास्तविक अभ्यास ये आप करिए, और एक मिनट के बाद मैं आपको बंद करने को, अभी एक मिनट करिए। और इसमें अभी 15 सेकेंड हो चुके हैं, 45 सेकेंड और, सिर्फ 45 सेकेंड। सो ऊपर हम नीचे, स
समय पूरा होने वाला है, ध्यान को नाभि से हटा लीजिए, कंठ से हटा लीजिए, बंद आंखों के सामने ले, बंद आंखों के सामने, और धीरे से वो अपने आंखों को खोलिए, हाथों को आपस में मलिए और अपनी आंखें खोलिए। थोड़ी देर के लगा होगा कि नींद आ गई, झपकी जैसा, लेकिन फिर वो वापस है। आफ्टर करने के बाद इसका जो नेट रिजल्ट है वो रिफ्रेशमेंट, झपकी आई होगी वो अलग बात है, लेकिन अभी आप रिफ्रेश फील कर रहे हैं। कितना? 2 मिनट। इसको बोलते हैं अजपा जप। योग का अभ्यास है, लेकिन ये हमारा बहुत प्राचीनतम अभ्यास है, बहुत ही प्राचीन, और पूरे विश्व में इसकी डंका है, हम ही लोग नहीं जानते हैं। तो इसका अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं, इसका केवल श्वास का, ठीक है। अब हम आपको श्वास पर ध्यान देना, अब श्वास का मतलब श्वास को आप कंट्रोल करने, उससे क्या फर्क पड़ता है वो आप देखिए। श्वास ले रहे हैं, अब आपको गहरा श्वास लेना है, समझ लीजिए। गहरा श्वास लिए तो फेफड़े की जो कैपेसिटी होगा, और लेने के बाद श्वास को पहले 5 बार श्वास गहरा लिए छोड़िए, गहरा लिए छोड़िए, तो पहले छिछला था अब ये गहरा होगा। अब 5 बार के बाद अगले 6ठा जो श्वास होगा उसमें श्वास लेकर रोकिए, श्वास लेकर रोक ले, और रोकेंगे तो आंतरिक क्रिया है उसको करें। आंतरिक क्रिया जो है वो है बंद, है ना। तो जैसी श्वास रुकेगा तो आपका जो एनल एरिया है गुदा द्वार उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, श्वास रुका ऊपर की तरफ खींच कर रोक लेंगे, ठीक है। जितना देर श्वास रुका उतना देर आप रोकिए, राइट। अब श्वास को छोड़ना हुआ तो छोड़ने से पहले आप अपने नीचे का अंग को ढीला कर लें और फिर श्वास को छोड़िए। ये 5 बार ये क्रिया जो है इधर देखिए, 5 बार कर दी, 5 बार आप 5 बार क्या किया, श्वास को गहरा लिया छोड़ा, 5 बार क्या किया, रोका और अपने जो गुदा द्वार उसको उसको कहते हैं मूल बंद, मूलाधार है सबसे शरीर के नीचे, है ना। और उसको जब हम लोग ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ब्लॉक हो जाता है, शरीर में जितने रंध है उससे प्राण क्षय होता है, एनर्जी डिप्लीट होता है, उसको रोकते हैं। रोकते हैं तो उसका प्रभाव 5-6 श्वास में आप महसूस करते हैं। एक हो गया श्वास लेकर हमने रोका, अब नेक्स्ट है श्वास छोड़ कर रुकना। श्वास लिया छोड़ा, तो छोड़ा तो तब क्या करेंगे, छोड़ेंगे जैसे छोड़ रहे हैं तो नाभि को अंदर और जो एनल एरिया उसके ऊपर किए और साथ में क्या किए गर्दन को, तो श्वास छोड़कर जितना देर श्वास रोक सकते हैं रोक, इसे कहते हैं महाबंध, इसको कहते हैं महाबंध। इसमें क्या है, मूल बंध लगा पेट की, इसको कहते हैं उद्यान बंध, और गर्दन झुके इसको कहते हैं जालंधर, तीनों बंध एक साथ लगा इसको कहते हैं महाबंध, ठीक है। तो आपको 5 श्वास बिना रोके हुए गहरा, ठीक है, इसमें 1 मिनट लगेगा, 5 श्वास रोक कर इसमें 5 मिनट लगेगा या 2.5 मिनट लगेगा, और 5 श्वास छोड़कर रोकना जिसमें तीनों, ठीक है। तो कुल मिलाकर 7.5 मिनट का ये प्रैक्टिस है, अभी करेंगे। तो रीढ़ की हड्डी सीधी और हाथ कैसे, ठीक है। अब आप आंखों को बंद कीजिए और अपने श्वास का ख्याल कीजिए, छाती में श्वास लीजिए, छाती को फैलने दीजिए पूरा, और श्वास छोड़िए छाती को सिकुड़ने को। 5 श्वास कमर सीधी रखेंगे सर, हाँ, रीढ़ खड़ी सी, गहरा लीजिए, पांच
चार श्वास के बाद छठे श्वास में श्वास लेंगे और रोक लेंगे, रोकने के साथ अपने गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचकर रोक लेंगे, श्वास को खींच कर रोक लेंगे छठे श्वास से लेकर दसवें श्वास तक रोक लीजिए। शरीर को ऊपर नीचे नहीं करना, एकदम स्ट्रेट रहना, गर्दन स्थिर रखना। जितना देर आप रोक सकते हैं रोकेंगे, छोड़ने से पहले अपने गुदा द्वार को ढीला छोड़ेंगे, श्वास छोड़ लेंगे, फिर जब श्वास लेंगे गहरा श्वास लेंगे रोकेंगे और गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचेंगे मूलबंध से, मूलबंध पांच बार और अब अगला पांच श्वास महाबंध के साथ, श्वास को छोड़िए, नाभि अंदर कीजिए, गर्दन नीचे कीजिए और मूलबंध लगाइए, नीचे के अंग को ऊपर कीजिए और श्वास को छोड़ने के बाद रोकिए। ज्यादा दिन नहीं, अब 15 दिन करिए, उसके बाद आपको अनुभव क्या होगा, आप गजब का अनुभव महसूस करेंगे। कोई पैसा नहीं, प्रयास आपका, और इस जाने के समय में तो अद्भुत है। इसे आपके जितने भी शरीर में जो भी रुकावट है वो आपकी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी, और जो मर रहा सेल है शरीर के अंदर वो धीरे धीरे रिजुवेनेट होने लगेगा, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हो सकता है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हो सकता है। लेकिन उसके साथ शर्त ये है कि आपको कैंसर ठीक होने के लिए पानी ठीक करना पड़ेगा और खाना, जो ये पानी पी रहे हैं आरओ का है या बिस्लरी का है या जो भी है, ये सारे सिस्टम जो है वो इस पानी को पीने योग्य नहीं बनाया, इसको साफ जरूर किया लेकिन इसको, इसमें जो प्राण है उसको निचोड़ लिया। प्राण क्या है पानी का, पहला है इसके अंदर मिनरल, मिनरल को निकाल लिया तो पानी निष्प्राण हो गया। दूसरा इसके अंदर है अल्कलिनिटी, आप जो भी पानी पीते हैं अगर टेस्ट में करके दिखाऊं ये स्लाइटली एसिडिक है, आपके आपके जितने भी बिवरेज चाय पीते हैं डिब्बा बंद जो भी लिक्विड पीते हैं यह सोचकर कि ये जूस है, सारे एसिडिक, कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स हाई एसिडिक। रामदेव जी अपने शिविर में गाली देते थे तो उनका ढंग अलग था लेकिन बात सही था कि वो टॉयलेट की नहीं, क्योंकि एसिडिक है तो टॉयलेट डालने से वो क्या होगा साफ हो जाए, उसी तरह से हम अपने अंदर डालेंगे तो एसिडिक अगर आप लिक्विड लेते हैं अपने अंदर तो आपके बॉडी में इंफ्लामेशन बढ़ेगा, कैंसर सेल पैदा होगा, इसीलिए आज कैंसर का रेट बहुत ज़्यादा है। दूसरा है जो खाना खा रहे हैं उसमें जो अन्न है, अगर उस अन्न में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड ये सारे चीज का उसमें है छिड़काव जो कर रहे हैं, कहते हैं कि पंजाब में कैंसर का रेट बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि वहाँ ये लेने के लिए बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज कर रहा है, तो ऐसा उसको आजकल कहा जाता है ऑर्गेनिक, मतलब बिना खाद का। अवेयरनेस की बात है, आप अन्य नहीं कम से कम सब्जी अपने गमले में उगा सकते हैं अपने लिए ऑर्गेनिक, आप खोज कीजिएगा, एक तरफ से सोचना शुरू कीजिए तो जानकारी मिलनी शुरू होगी, उसको कहते हैं किचन गार्डन या जो गार्डन गार्डन आप अपने लिए टमाटर सब्जी ये सारे एक परिवार का हो सकता है जो आपको कम से कम पेस्टिसाइड से दूर रखेगा।
तो पानी कैसे हो सकता है? ये पानी जो है आप आरओ को निकालिए अपने घर से, आरओ में जो मेम्ब्रेन लगा होता है उसको हटाकर विदाउट मेम्ब्रेन, पहले वाला जो यूरिकाफुप्स का था यूबी, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, तो आपका मिनरल दिल्ली में प्राय जो सप्लाई है उसका लगभग जो टीडीएस जिसको बोलते हैं, जो मिनरल का वो जितना टीडीएस है उतना ज़्यादा मिनरल है, लेकिन बहुत ज़्यादा टीडीएस है 400 तो खराबी करता है, सस्पेंडेड पार्टिकल बोलते हैं वो ज़्यादा नहीं, 150-200 तक टीडीएस, यहाँ तक कि 250 तक टीडीएस नहीं हो गया और उसको छानना नहीं चाहिए। आरओ लगाने के बाद वो 100 से नीचे चला आता है, पीने में मीठा लगता है पानी, पतला हो जाता है, मतलब उसका प्राण हर लिया। तो पहला पानी आप ठीक कीजिए, आरओ का खत्म करके, बिस्लरी वगैरह सब खत्म करके आप सप्लाई वाटर में वैसा सिस्टम लगाइए जो कि केवल उसको प्यूरिफाई करता है सेडिमेंट बिना मेम्ब्रेन का। और दूसरा, अल्कलाइन बनाने के लिए घड़ा का इस्तेमाल कीजिए या नहीं तो तांबे का बर्तन लीजिए और उसको नींबू नमक से साफ करके, अंदर से साफ करके उसमें जो पीने वाला पानी उसको डाल दीजिए, 8 घंटे तक उसमें रहे, पानी अल्कलाइन हो जाएगा और आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज पानी का मतलब है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, वो पानी दवा है। ये हमारा प्राचीन सिस्टम है। जापानीज टेक्नोलॉजी, जापानीज साइंटिस्ट ने देखा कि पानी जो है गंगोत्री यमुनोत्री आस्ट्रिया का पानी, चमचम का पानी जो मक्का में है और कई जगह कुएं का पानी करते पीते हैं, आदमी ठीक हो जाता है, इसमें क्या है, वो दवा का काम क्यों करता है? तो जापानीज साइंटिस्टों ने पता लगा उस वो दवा का काम इसलिए करता है कि वो अल्कलाइन है पहला और फुल ऑफ मिनरल दो बात, और तीसरा बात वो जो है वो निगेटिवली चार्ज है, प्राण जो है ना वो इलेक्ट्रॉन ही है। तो पानी में इतना ज़्यादा प्राण है कि आप उसको पीते हैं तो आपके प्राण का जो जिसको कहते हैं फ्री रेडिकल, हमारे शरीर में जो खाते हैं 100 तरह का विष बनता है और उस विष को अलग अलग पैरामीटर दिया गया जो ब्लड टेस्ट में आप लोग करवाते हैं, देखिए ये कितना है, ये कितना है, जीओपीटी एसपीटी बिलिरुबिन एल्बुमिन वगैरह वगैरह, ये कितना, अगर ज़्यादा हो गया तो दिक्कत, कम हो गया तो इतना में रहना है। तो वो उसको वो फ्री रेडिकल के रूप में, उस फ्री रेडिकल को ख़त्म करने के लिए हमें ऐसा चीज़ कंज्यूम करना पड़ता है जिससे उसको ऑक्सीडाइज करके उसके प्रभाव को ख़त्म करें, और उसको मार्केट में उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट, मिलियन डॉलर का बिजनेस है। और पते की बात बताऊं, एक भी नहीं एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है एकदम एक्टिव, और वो सिर्फ झरने का पानी, कुएं का पानी में है और किसी भी, हाँ नारियल पानी में है। नारियल को अगर आप पिए होंगे कोरोना वगैरह में खूब चला था क्योंकि वो बहुत कारगर हुआ, उसका कारण क्या था, जैसे छीले नारियल और पहला ऐसे करके काटे तो नारियल में कहाँ से शक्ति, वो जो धार है खुद से मारता,